दोस्तों आज असी 4 अक्तूबर के दिन हुई घटनावां जिन्हां दा सिख तारीख चर्चा मिलता है उसका जिक्र करांगे। सब तो पहली घटना सड़क 1930 की है। 1930 की 4 अक्तूबर नूं भाई रणधीर सिंह जिहड़े ने गदर पार्टी साजिश के सेठ जिन्हां नूं उम्र कैद की सज़ा हुई सी, वह भाई रणधीर सिंह नारंगवाल 14 साल जेल कट्टण मगरों 4 अक्तूबर 1930 के दिन रिहा होए। रिहा होने तो मगरों दरबार साहब गए थे अकाल तख्त, उन्होंने खास सन्मान किया गया। मगरों 7 दिसंबर 1930 के दिन खालसा दीवान सोसायटी वैनकूवर कनेडा ने भी उन्होंने सन्मान किया। 500 रुपए की थैली से एक किरपान भेट करने वास्ते माया किसी सिख के हथ नारंगवाल भेजी। फिर साढ़े को 4 अक्तूबर का 1985 का दिन है जदों पंजाब विच भारतीय फौज ने एक नवी छावनी अपनी काम करती। ऑलरेडी पहले ही बहुत सारिया छावनियां सन पर एक नवी छावनी काम कर दिती। 1985 की घटना जी बड़ी खास साढ़े वास्ते इस करके है, फौज रखने का मतलब सीगा भी पंजाब च फौज की गिनती होर वधाती जाए जिवें कश्मीर विच वधाई हुई है। चेतरे के जून 1985 पंजाब के नवे गवर्नर अर्जन सिंह ने सुरजीत बरनाला, बलवंत रामोवालिया, मनजीत सिंह खहरा, प्रीतपाल कपूर, तैतर सिंह की मदद नाल लौंगोवाल नाल बड़ी नेड़ता कायम कर ली सी। प्रीतपाल सिंह कपूर ते अतर सिंह प्रोफेसर ने अकालियां दा सरकार नाल राबता बनाउण च सब तो वध रोल अदा कीता सी। लौंगोवाल इन्ना बेसमझ सीगा असाध कि उसनों पता ही ना लग सकिया कि बरनाला, प्रीतपाल कपूर ते अतर सिंह उस तो की करवाई जा रहे हैं। तो लौंगोवाल प्रीतपाल सिंह कपूर दा तां गुलाम ही किस्म का बन गया सी। उसने तो टौड़े ते बादल नाल सलाह करनी तक बंद कर दिती सी। हौली हौली राजीव ते लौंगोवाल दे विचकार एक समझौते बारे रजामंदी हो गई और हालांकि यह समझौता उल्टा सिखां वास्ते जिहड़ा नुकसानदेह सीगा, सिखां वास्ते घाटे हुंदा सीगा। इस विच सिखां दी एक भी मंग नहीं सी मन्नी गई ते किसी सिख की रिहाई ही नहीं सी हुई, सगों उल्टा पंजाब का पानी हरियाणे नूं देना मन्निया होया सीगा। पर बरनाला, प्रीतपाल कपूर ते अतर सिंह दी तिकड़ी ने लौंगोवाल नूं सोचण दा मौका ही ना दिता ते अखीर उस कोलों हां करवा ली। इस साजिश हेठ पहलां तां लौंगोवाल कोल राजीव नूं खत लिखवा के पंजाब का मसला हल करन वास्ते कदम चुकन वास्ते किया गया। अखीर 23 जुलाई में राजीव ते लौंगोवाल विचकार मुलाकात भी करवा दी गई ते 24 जुलाई में राजीव लौंगोवाल समझौते का ऐलान भी कर दिता गया ते समझौते नूं भारतीय पार्लीमेंट विच पास भी कर दिता गया। खाड़कों ने इस नूं ते विद्वानों ने इस नूं शर्मनाक हेठी ते कौम दी दस्तार मिट्टी विच रोलना आख्या। सिखां ने पंजाब विच कई थावां ते लौंगोवाल ते उसकी पार्टी के खिलाफ बहुत मुजाहरे किए, उसकी गद्दारी का स्यापा किया, हर पासों इसकी जबरदस्त मुखालफत हुई ते अखीर खाड़कों ने सोचा भी इस जिहड़ी कामयाबी लौंगोवाली इस नूं कहिंदे इस गद्दारी की सज़ा देनी चाहिए है। तो खाड़कू नौजवान इस नूं सज़ा देना चाहते सन। अखीर प्लान बना के 20 अगस्त 1985 के दिन पिंड शेरपुर जिला संगरूर में एक रैली के दौरान खाड़कों ने लौंगोवाल नूं, हरचंद सिंह लौंगोवाल नूं गोलियां मार के मार दिता। इस विच ज्ञान सिंह डीडा ते परविंदर सिंह खास करके शामिल सन जिन्होंने एक्शन किया। परविंदर सिंह नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ते मगरों मार दिता। ज्ञान सिंह डीला भी गिरफ्तार होया गया ते मगरों उस नूं उम्र कैद हुई ते जिहड़ा उम्र कैद कट्टण तो बाद रिहा किया गया। इस केस विच ज्ञान सिंह डीला जिहड़ा इस तों सिवा ज्ञान सिंह पिंड पुहीड ते हरविंदर सिंह नूं भी गिरफ्तार किया गया सी। हरविंदर सिंह ते पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया ते अखीर उसनों जहर का टीका ला दिता जिसके नाल 14 अक्तूबर में रजिंद्र हस्पताल वो दम तोड़ गया। तो जहर का टीका जो पुलिस के चीफ एक उसों के पुलिस मुखी डी एस मांगट के पुत्र ने लाया सीगा जिसनों मगरों खाड़कों ने सजाए मौत दिती। इन्हां तो इलावा होर 5 खाड़कों की गिरफ्तारी वास्ते भी इनाम ऐलाने गए सन जिन्हां च जरनैल सिंह लवाड़ा से जिसका इनाम 1.5 लाख सी, चरणजीत सिंह लवाड़ा का 1 लाख रुपया सी, डॉक्टर गुरमेर सिंह लवाड़ा का 50,000, रविंदर सिंह दाखा का 50,000 ते इंद्रजीत सिंह संगरूर का 50,000 इनाम रखा गया सी। तो लौंगोवाल की लाश का संस्कार जिहड़ा है वह 20 तरीक नूं मरण तों बाद 21 तरीक नूं कीता गया। तो उत्थे उस धड़े दे कुछ वर्करां ने जिहड़ा अजीत सिंह परिवार विच छुड़ा अपने साथ भी कहिंदा सीगा उसनूं पार्टी दे एक्टिंग प्रधान चुन लिया। पर यह चुन वक्ती ही सी क्योंकि राजीव लौंगोवाल समझौता सीगा जिहड़ा वह सारा अंदरों अंदर ही होया सीगा। ये सीनियर अकालियां ने इहनूं कदे मंजूर नहीं सी कीता ते सारी खेड जिहड़ी है वह सरकार राजीव गांधी अर्जन सिंह ते इहनां दे विचकार चल रही सी। तो उन्होंने ही अपना असर रुख वरता के ते
दबके धमकिया लालच दे के 25 सितंबर सुरजीत बरनाले एक्टिंग प्रवान प्रधान बना दिता तो नाल ही देश पंजाब चोणों का ऐलान करता। राजीव लौंगोवाल समझौते दौरान यह अंदरों अंदर हेराफेरी यह हुई सी कि सुरजीत बरनाला चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तो 17 अगस्त इलेक्शन कमीशन ने 25 सितंबर की जी तारीख मिथी चोणों वास्ते जोगिंदर सिंह बाबा ने इस दा बाइकाट करन दा ऐलान कर दिता। समझे सिंह मान हालांकि चाहता सी पर उसकी कोई पेश न गई बाद च इस बेवकूफी का बहुत सारा घाटा पिया। इन्हां चोणां च फैडरेशन के बहुत सारे वर्कर गिरफ्तार करके जेलां भी डक दिता गया जिन्हां की गिनती हज़ारों में सी। तो मिथे तारीख 25 सितंबर वोटां पईआं तो 25 सितंबर कांग्रेस ने जिहड़े बड़े अपने कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए तां जो बरनाले जिता के चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो उहदे 74 उम्मीदवार 117 जित गए तो 29 सितंबर चीफ मिनिस्टर बन गया। बरनाले ने पहले दिन ही आके इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि भेंट की जिहड़े 1984 की जून ते नवंबर च मारे गए सिख सी उन्हां दी निंदा अफसोस दा मता भी तक पास ना किया गया तो क्योंकि स्पष्ट सीगा कि राजीव गांधी ने सारा कुछ ड्रामा इस करके किया सुरजीत बरनाले नूं चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो उहदे राही जिहड़े ने इंदिरा गांधी के सारे काम जिहड़े ने राजीव गांधी के सारे काम जिहड़े ने उहनां नूं सही साबित किया जा सके। एक्चुअली प्रोक्सी हुकूमत कर रहा सीगा राजीव गांधी तो भावें शुरू शुरू बरनाले ने एक अद्धा बयान जिहड़ा कागजी बयान दिता भी पर वो सारी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई सी। उस वक्त 2000 तो ज़्यादा बेगुनाह सिख जिहड़े सन टाडा के केसां च गिरफ्तार सन जिन्हां इस तो इलावा 500 हरियाणा 400 के करीब जयपुर ते जोधपुर 500 होर करीब कई जेलों में भी सन। बरनाले ने दिखावे तौर पर अजीत सिंह बैंस की प्रधानगी हेठ कमेटी बना दी। इस कमेटी भारतीय जनता पार्टी का सीनियर आगू लाल चंद सभरवाल भी शामिल सी। कमेटी ने बरनाले नूं सिफारिश भी की कि सारे सिख रिहा कर दिए जाण पर उन्होंने 2000 सिर्फ 26 सिख रिहा किए गए सन ते होर तो होर इन 224 अजे तक जेलों में कैद ही नहीं बल्कि नज़रबंद भी सन उन्होंने चक्कियों में रखे जाता सी। पर राजीव गांधी इसके बावजूद सिखा तो बड़ा डरता सी। उसने पंजाब में वधेरे फौज तैनात करने की सोच नाल होर फौजी छावनियां कायम करने का फैसला कर लिया। तो इस प्लान हेठ राजीव गांधी ने 4 अक्टूबर 1985 के दिन हुशियारपुर नवी फौज की छावनी कायम करने वास्ते 15 पिंडों की 6870 एकड़ जमीन जी है वह एक्वायर करने का फैसला कर लिया। ये विजिलेंस ब्यूरो थर्ड एजेंसी दिफारिशों हेठ राजीव गांधी ने CRPF इंडो तिब्बतन फोर्स से हई होर कई फोर्सिस के नाते पंजाब 2 लाख के करीब फौज रखने का फैसला किया। इस तो बाद 4 अक्टूबर के दिन होने वाली नकली मुकाबले घटनावां ते असली मुकाबले के घटनावां हैं। सब तो पहली घटना 1990 की है। 4 अक्टूबर 1990 के दिन पुलिस ने सतनाम सिंह पुत्र भजन सिंह वासी बागड़ी नूं एक नकली मुकाबले शहीद कर दिता। इसे दिन दलजीत सिंह उर्फ काली वासी सुल्तानवीड अमृतसर, दलबीर सिंह वासी चिविंडा देवी अमृतसर, हरजिंदर सिंह जिंदा वासी मोहरेवाल नूं भी नकली मुकाबले च शहीद कर दिता। चेते रहे कि हरजिंदर सिंह जिंदा का पिता मान सिंह इस हरजिंदर सिंह जिंदा और दूजा नहीं हरजिंदर सिंह जिंदा का पिता मान सिंह तो उसका भरा गुरबिंदर सिंह 27 मार्च 1990 के दिन शहीद किए जा चुके सन। 4 अक्टूबर 1992 की भी घटना है कि 4 अक्टूबर 1992 के दिन पुलिस ने बलबीर सिंह पुत्र जसा सिंह वासी कलेर, बलविंदर सिंह पुत्र अमर सिंह वासी चवाल कलां, बलविंदर सिंह उर्फ काली पुत्र बलबीर सिंह वासी सबरां पिंड, बलविंदर सिंह वासी गुमटाला, दलबीर सिंह ते दो होर सिखां नूं नकली मुकाबले विच शहीद कर दिता। इस सन घटनावां जिहड़ियां 4 अक्टूबर नूं हुईआं ते तारीख ने रिकॉर्ड कीतीआं। शुक्रिया।